तो आज मैंने यहाँ ना इस इस वाले कलर की बेडशीट बिछाई है और मुझे उतार लेने हैं बाहर से कपड़े, क्योंकि कपड़े धोए थे आज काफ़ी सारे हो जाते हैं, चारों के चारों बैलगनी में कपड़े ही कपड़े हैं। और देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा लग रहा है ना ये व्यू, कि सारी फ्लैट्स की लाइटें ऐसे जगमगाती रही हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू और मुझे बहुत पसंद आता है ये देखने में। तो मैं सोच रही पहले इस रूम वाली बैलकनी से उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले मुझे मैट भी बिछानी है, क्योंकि नीचे की जो वो है ना ये वुडन वर्क है तो ये ख़राब हुआ पड़ा है बिल्कुल यहाँ पर। तो इसको ढकने के लिए मैं इसे रख देती हूँ तो पता नहीं चलता कि ख़राब है। इस तरह से मैंने यहाँ रख दिया है तो ये ढक भी गया और अच्छा भी लगता है। चलिए पहले बाहर से कपड़े उतारते हैं, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं क्योंकि अभी हस्बैंड आ जाएंगे मेरे, तो फिर वो बोलेंगे कि डोर मत ओपन करो, ये मत करो। तो गाइस आज आपको बताया मेरी किस्मत जागी है, पूछेंगे नहीं आप कैसे, तो मैं बताती हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो है आकृति मैडम मेरी, और यहाँ पर क्या कर रही हैं आज आप? दवाई। आपने कभी इसे किचन में देखा नहीं होगा? मसाला क्या? अबे मसाला क्या, कुछ बोल। गोभी ये तो ऐसे खो जाती है। और यहाँ देखिए हमारे आपसे मिलने आए हैं किचन में, बहुत प्यारे से मेरा बच्चा मिलने आया है। मैं हमारे लड्डू गोपाल जी, राधे 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 राधे। मैं जो नहीं चलाऊंगी तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये आलू जो है फ्राई कर रही हैं। बाकी की रेसिपी यही बताएंगे क्योंकि आज का खाना किसी के नाम पे है। मैं किचन से जा रही हूँ और मैं नहीं आऊँगी आज, लेकिन ये मुझे आवाज़ें मारती रहेगी, मुझे पता है मम्मी इधर आना क्योंकि आदत है इसकी। सबको ना जैसे ही टाइम मिले तो आप आ जाइए, क्योंकि इसके हाथ का खाना बड़े नसीब से मिलता है। ये देखिए बड़े ही मुश्किल से, और भगवान ना पता है आजकल एक वीडियो देखते हैं जिसमें रेसिपी दिखाते हैं, तो मैं तो सोचती हूँ दिन रात वो वीडियो ही देखती रहे बस। तो यहाँ देखिए इन्होंने रखे हैं लहसुन अदरक और ये क्या है दालचीनी लौंग लाल मिर्च साबुत और लहसुन है इसमें, और इसमें पता नहीं क्या डाला है कढ़ाई में अभी डेली। और लाल मिर्च डालने के पहले यहाँ टमाटर हैं, प्याज है जो इन्होंने कट करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये आलू हैं जो फ्राई हो चुके हैं। तो बाकी की रेसिपी जब आगे ये बनाएंगे तब दिखाती हूँ आपको मैं। ओहो देखिए इस तरह से भरपूर काजू उठा के लाए हैं, ये देखिए हैं। वैसे काजू पीछे हुए भी पीछ पड़े नहीं, मेरे को यही चाहिए। ठीक है हाँ इसे रखो, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर अभी इन्होंने इस पर लाल मिर्च डाल दी है, जैसा नेचर है वैसा ही अभी फिलहाल सामान डाला गया है। मैं तड़का भड़काते जैसे तड़की भड़की सी रहती है तो उसी हिसाब से सब्जी बनाएंगी। तो देखिएगा आप, एक हाथ में फ़ोन है क्योंकि इनके बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं। तो ये देखिए मैं देख रही हूँ कैसे बना रही है। अब इन्होंने अदरक डाल दी है, अब यहाँ पर ये लहसुन भी डाल रही हैं, यहाँ पर एक खड़े मसाले भी इसमें डाल देंगी सारे। डालिए फटाफट डालिए, दालचीनी तो वो नहीं डाली, तो वो छोड़ के दालचीनी और लौंग छोड़ के इन्होंने यहाँ पे अनियन थे वो इसमें डाल चुकी हैं। तो टमाटर भी शायद डाली जाएंगी, फिर इसको चन करेंगी ये है ना। मैं क्या करूँ, मैं अभी सीख रही हूँ ना दीदी से सब्जी बनाना, ये दीदी बनाती है ना तो मुझे तब भी समझ में आता है दीदी है ना। तो आज लग रहा है ना आपको एक मतलब जैसे पर इसको तो मैंने हल्दी और मिर्च डाली थी तेल में तो मेरा तो टेस्ट खराब, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ ये टमाटर भी ऐड कर चुकी हैं और हम बीज में निकाल देते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्टोन है, तो इस वजह से हमें बीज निकाल के यूज़ करना पड़ता है। तो डालिए देखिए, जो कि दवाई वाई कुछ भी अपनी केयर नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती है क्योंकि उनको फ्राइड और ये सब मतलब हेल्दी खाना, हेल्दी क्या जैसे वो भटूरे हो गए समोसे हो गए ये सब बहुत पसंद है इन्हें। तो यहाँ पर खड़े मसाले जो हैं वो डल चुके हैं, जिसमें इलायची जावित्री तेजपत्ता फट गया, तो यहाँ मसाला भी डाल चुके हैं। तो यहाँ सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, मिर्च जीरा पाउडर धनिया, और यहाँ डाल रहे हैं हम देख इसे इसमें डालो पहले भरो अच्छे देखो। तो इसमें डाली है मैंने देंगी मिर्च भी डाली है हमने, हाँ। तो यहाँ पर हम सारे मसाले भी डाल चुके हैं इसके अंदर, और हमने इसमें डाला है दही और क्रीम, और यहाँ पर डाली है आलू। तो जो कि देखिए इनकी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, तो मैं आपको बताऊँगी कैसी बनी है।
तो बस यहाँ पर खाना बनकर तैयार है, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब दे दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो यहाँ ना मेरी बेटी मेरे साथ लेटी हुई है, तो वो रो रही थी। और आपको मैं बताती हूँ मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। मुझे 25-30 दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जो है डॉक्टर मुझे तो यहाँ पर जाना है, डॉक्टर बना लिया था। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में ज़्यादा दूर नहीं है, तो कल सुबह मेरा टाइम ले लिया गया, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टरों से डिस्कस करने के बाद फाइनली 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा मेरे लिए एक एक पल कीमती है, क्योंकि हो सकता है मुझे यूट्रस में कैंसर है या क्या है, तो वो उसके लिए कल बायोप्सी करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। और मेरी गॉल ब्लैडर में भी पथरी है, तो उसको भी उस स्टोन को भी उन्हें रिमूव करना है, तो वो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो वो बोले तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब होना है मेरा। तो वो बोले थे कि कल ही भी मतलब रोज को मैं होंगी, तो एक ही तब वो दोनों ही काम कर देंगे, तो अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आगे का फिर पता नहीं क्या होगा, तो देखते हैं कल की क्या होता है। और बस मेरी बेटियों का रोज का बुरा हाल है, तो बड़ी वाली बेटी तो बार बार गूगल पे सर्च मारती है, तो हमारे भैया भी डॉक्टर हैं, वो यूपी में रहते हैं, तो उनसे भी डिस्कस किया है। तो फिलहाल कल देखते हैं कि क्या होता है, और हम कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाएं। तो कल फाइनली डिसीजन हो चुका है, तो कल होगा, और मेरा ब्लॉग अभी 2-3 दिन में ही आ पाएगा। और अगर आएगा तो मैं बेटी को बोल दूँगी, मैंने वीडियोज़ काफ़ी सारी बना रखी हैं, तो वो आगे डालती रहेगी। तो सॉरी कि मैं आपके थ्रू मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी अपना, तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तब तक आप कमेंट्स में अच्छे अच्छे प्रेयर्स करिए, अच्छा अच्छा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, और प्लीज़ प्रे करना कि ऐसा कुछ भी नेगेटिव वाली चीज़ ना हो, जल्दी से आप लोगों को ब्लॉग्स मिल जाए। बाय, टेक केयर।